हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन कुक विद एंडी। आज मैं बनाने वाली हूँ राजस्थानी गट्टा करी रेसिपी, जो राजस्थान की बहुत ही पॉपुलर रेसिपी है। तो चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। गट्टे की सब्जी बनाने के लिए हमें चाहिए एक टमाटर, 4 से 5 लहसुन की कलियाँ, 1/2 इंच अदरक, इसका हम पेस्ट बनाएंगे। एक ऑनियन लिया है चॉप करके, 4 से 5 टेबल स्पून हम दही लेंगे, 100 ग्राम मैंने बेसन लिया है, जीरा 1/2 टेबल स्पून, हल्दी 1/4 टेबल स्पून, सॉल्ट एज पर टेस्ट, गरम मसाला 1/2 टेबल स्पून, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर 1/2 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर 1/2 टेबल स्पून, हरा धनिया फॉर गार्निश, 1/4 टेबल स्पून हमने लिया है बेकिंग सोडा, अजवाइन लिया है 1/4 टेबल स्पून, पिंच ऑफ हींग हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम इसकी टमाटर, लहसुन और अदरक की पेस्ट बना लेते हैं। टमाटर का हमने पेस्ट बना लिया है, जिसमें हमने ऐड किया था अदरक और लहसुन। अब हमें गट्टे बनाने हैं, तो हम एक प्लेट लेंगे, इसमें ऐड करेंगे बेसन, इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट एज़ पर टेस्ट, थोड़ा सा हरा धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, इसमें हम डालेंगे बेकिंग सोडा और अजवाइन, जिसे हम थोड़ा सा हाथ से क्रश कर लेंगे, ताकि गट्टे जो बनेंगे वो बहुत ही अच्छे बनेंगे और उसमें इसकी खुशबू बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। अब हम इसका डो रेडी करेंगे। इसके लिए हमें पहले सबसे इसे मिक्स कर लेना है। इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे, क्योंकि हमें ये एकदम डो जो हमारा रेडी होगा वो एकदम हार्ड भी नहीं होना चाहिए और ना ही एकदम सॉफ्ट। हम जैसे रोटी बनाते हैं वैसा हमें डो चाहिए। इसका हम डो रेडी कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके। अजवाइन इसमें डालना बहुत ही हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है और उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। जब इसके गट्टे बनेंगे तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगेगी सब्जी में और वो हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छी है। तो हम थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे, इसका हम डो रेडी कर लेंगे। ये हमारा डो रेडी हो गया है। हमें थोड़ा सा ऑयल अपने हैंड में लगा लेना है और इसे, बेसन बहुत चिपकता है हाथ में, इसलिए हम थोड़ा ऑयल यूज़ कर रहे हैं हैंड पे, ताकि ये चिपके ना और जो और लगे हैं वो भी अच्छे से निकल जाए। इसे हम 5 मिनट के लिए ऐसे ही रख देते हैं। इसके बाद हम इसके गट्टे बनाएंगे। हमने 5 मिनट के लिए डो को रखा हुआ था, अब हमें इसके गट्टे बनाने हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा ऑयल अपने हैंड पे लगा लेते हैं। अब इसका हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे और इसके हम छोटे लॉग बनाएंगे और हम गैस पे पानी गर्म करने के लिए रख देते हैं। हमारा गट्टे रेडी हैं इसमें अभी, और इसे हमें पानी में उबालना है 10 से 12 मिनट के लिए। तो पानी रख देते हैं गैस पे। हमने गैस पे पानी रखा हुआ है जो अब उबलने वाला है। अब हमें इसमें ऐड करना है, ये हमने जो बेसन के डो के गट्टे बनाए हैं इसमें हम डाल देंगे और इसे हम 10 से 12 मिनट तक मीडियम से हाई के फ्लेम पे पकाएंगे।
गट्टे को हमने 10 से 12 मिनट तक अच्छे से पका लिया है। अब हमारे गट्टे पक गए हैं, गैस ऑफ कर देते हैं और इसे हम निकाल लेंगे। अब हम सब्जी बनाएंगे। हमने कढ़ाई में 3 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है। अब हम ऑयल को हीट कर लेते हैं। ऑयल हीट होने के बाद हमें इसमें ऐड करना है जीरा। जीरा डालने के बाद हमें इसमें ऐड करना है चॉप्ड ऑनियन। इसमें हम ऐड करेंगे पिंच ऑफ हींग। मिक्स करेंगे। ऑनियन को हम 1 मिनट तक पकने देंगे ऑयल में। हमने ऑनियन को 1 मिनट तक पकने दिया ऑयल में। अब हम इसमें ड्राई सारे मसाले ऐड करते जाएंगे। सबसे पहले हम ऐड करेंगे हल्दी। कश्मीरी रेड चिली पाउडर। धनिया पाउडर। सॉल्ट। सॉल्ट हम लिटिल बिट ही यूज़ करेंगे बिकॉज हमने गट्टे जो बनाए थे उसमें भी हमने सॉल्ट ऐड किया है, तो ये ध्यान रख के हमें सॉल्ट डालना है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमें इसमें ऐड करना है टमाटो प्यूरी जो हमने बनाया था अदरक लहसुन के साथ। इसे हम 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे ताकि टमाटो भी अच्छे से इसमें मसालों के साथ और ऑनियन के साथ अच्छे से पक जाए। जब तक हमारे मसाले पक रहे हैं तब तक हम इसे कट कर लेते हैं। इसे हम राउंड शेप में कट कर रहे हैं। ये हमने गट्टे को कट कर लिया है। हमारे मसाले सारे अच्छे से पक गए हैं, आप देख सकते हैं। ऑयल अलग हो गया है मसालों से। अब हमें इसमें ऐड करना है दही। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही को भी हम इसमें 1 मिनट तक पकने देंगे ताकि सारे मसाले और दही अच्छे से मिक्स हो जाए। दही ऐड करने के बाद मैंने इसे 1 मिनट तक पकने दिया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी गरम मसाला। मिक्स करूंगी। अब मैं इसमें ऐड करूंगी सारे गट्टे। मिक्स करूंगी। इन गट्टों को मैं पकने दूंगी 2 मिनट तक। इसमें गट्टे डालने के बाद मैंने इसे 2 मिनट तक पकने दिया है। अब ये अच्छे से पक गया है गट्टे के साथ मसाले सारे। और अब हमें इसमें ऐड करना है पानी।
हम वही पानी यूज़ कर रहे हैं जिसमें गट्टे को हमने पकाया था। जितना थिक ग्रेवी आपको चाहिए आप उतना पानी ऐड कर सकते हैं इसमें। अब मैं इसे 3 से 4 मिनट तक पकने दूंगी, इसके बाद हमारी सब्जी रेडी हो जाएगी। 3 से 4 मिनट हमने इसे पकने दिया था गट्टे डालने के बाद। अब हम गैस ऑफ कर देंगे, हमारी सब्जी रेडी हो गई है। इसमें हम डालेंगे हरा धनिया और इसे गर्मा गर्म हम सर्व करेंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल कुक विद एंडी पे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।